वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट एक्ट के सैलिएंट फीचर। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ग्राम सभा। ग्राम सभा वाज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम व्हिच कंसिस्टेड ऑफ द पीपल रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रोल रोल्स ऑफ द विलेज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत। देखिए, जितना एरिया होता है पंचायत का, किसी भी गांव का एरिया होता है कि भाई इतने मेंबर्स क्या करेंगे, इस पंचायत के अंदर आ रहे हैं और इसमें वोट देंगे। वो मेंबर्स जो क्या है, रजिस्टर्ड पीपल्स, जो मेंबर्स क्या है, रजिस्टर्ड है, यानी कि जो पर्सन क्या है कि वो वोट दे सकते हैं, यानी कि एलिजिबल है वोट के लिए, जो रजिस्टर्ड हमारे पीपल्स हैं जो वोट दे सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। कोई भी पर्सन पंचायत में क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। जो पर्सन होते हैं, जो रजिस्टर्ड पीपल्स होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, हम ग्राम सभा कहते हैं। क्लियर। सेकेंड, थ्री टायर सिस्टम। इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं थ्री टायर सिस्टम क्या होता है, भैया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत बॉडीज, किसमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल। द एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थ्री टायर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन द स्टेट्स विलेज इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट मतलब ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, की भैया पंचायती राज सिस्टम को तीन लेवल पे क्या करो, एस्टेब्लिश करो। विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट यानी कि ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, बिल्कुल सही, जिला परिषद। थर्ड, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। द मेंबर ऑफ द पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स, वेयर एज द चेयरमैन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम अमंगस द इलेक्टेड मेंबर्स देयरफॉर। तो यहां ध्यान देना कि जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के, विलेज लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो कैसे इलेक्ट होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट कर जाएंगे पीपल्स के द्वारा। और जो चेयरमैन है किसके, पंचायत के, कौन से लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा उनका। क्लियर। फोर्थ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इज प्रोवाइडेड इन एवरी पंचायत इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। देखिए, रिजर्वेशन देना सीट्स का किसको, एससी को और एसटी को, किसमें, हर एक पंचायत में, किस प्रोपोर्शन में, टू देयर पॉपुलेशन। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन। भैया जितनी टोटल सीट्स होती है उसका 1/3 रिजर्व कर दिया जाएगा किसके लिए, वुमेन के लिए। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन द पंचायत एट एनी लेवल इन द फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। भैया स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो भैया प्रोविजन बना सकता है रिजर्वेशन का, किसका, बैकवर्ड क्लासेस के पीपल्स का, किसी भी लेवल पे। अब ये चीज हमने किसमें पढ़ी थी, 73 अमेंडमेंट एक्ट में। अब 73 अमेंडमेंट एक्ट तो सर हम अब भी पढ़ रहे हैं, बट हमने 73 अमेंडमेंट एक्ट में जब उसके सिग्निफिकेंस पढ़े थे, उसमें हमने क्या कहा था, 73 अमेंडमेंट एक्ट के दो पार्ट हैं, बिल्कुल सही, हमारे कंपलसरी प्रोविजन एंड वॉलंटरी प्रोविजन, और ये पॉइंट किसमें था, वॉलंटरी प्रोविजन। क्लियर। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस टू ऑल द लेवल्स ऑफ द पंचायत। भैया ये एक्ट क्या कहता है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, कि जो भैया पंचायत है उसका टर्म कितना है भैया, 5 years। However, the panchayat can be dissolved before the completion of its sum, but fresh election to constitute the new panchayat shall be completed. अब देखिए, यहां मैंने आपको पहले भी वीडियोस में डिस्कस करा है, दोबारा डिस्कस कर रहा हूं कि भैया जो पंचायत का टर्म रहता है वो क्या रहता है, 5 years रहता है। अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, उसका टाइम पीरियड जो 5 years है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो रिमेनिंग टाइम पीरियड्स के लिए क्या होती है, न्यू क्या हो जाती है, पंचायत बना ली जाती है। और जो मैक्सिमम टाइम होता है एक डिसॉल्यूशन ऑफ पंचायत का, दूसरी का बनने का टाइम, यानी कि एक पंचायत डिसॉल्व हो गई, अब दूसरी कब तक का जो मैक्सिमम टाइम रहेगा कि दूसरी बनानी ही बनानी है, कब तक, 6 months तक का। क्लियर। अब यहां मैं ध्यान से समझना, एग्जांपल से भी समझाऊंगा। फॉर एन एग्जांपल, कोई एक पंचायत थी, उसका टर्म कितना होता, 5 होता। अगर वो 2 साल में क्या हो गया भैया, डिसॉल्व हो गई, तो रिमेनिंग 3 के लिए क्या होगी, दूसरी नई पंचायत, दूसरी पंचायत क्या कर जाएगी, एस्टैब्लिश कर दी जाएगी। अब यहां एक और चीज ध्यान देना कि अगर 4.5 यानी कि 4.5 साल में क्या हो रही है, कोई भी डिसॉल्व हो रही है पंचायत, तो 6 महीने के लिए क्या, न्यू पंचायत नहीं बनाई जाएगी। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ होता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड का मतलब क्या है, अगर कोई भैया 2 साल में डिसॉल्व हो गई पंचायत और हमने दूसरी पंचायत को क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो भैया जिस दिन डिसॉल्व हुई है उस दिन से लेके 6 महीने तक को क्या, नई पंचायत को क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। क्लियर। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स 5-year ड्यूरेशन इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसॉल्यूशन। यही पॉइंट मैंने अभी आपको डिस्कस करें। 6, स्टेट इलेक्शन कमीशन।
द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत शैल बी ऑल्सो हैंडल्ड बाई द स्टेट इलेक्शन कमीशन. भी है स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या करना, एस्टैब्लिशमेंट करना. अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्यों एस्टैब्लिश करते हैं भाई, आप सभी को पता, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो आपको पता होगा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है इलेक्शन के लिए क्या करा जाता है, वो कंडक्ट करवाता है किसका, पंचायत का इलेक्शन. इसलिए क्या होता है, इनका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फाइनेंस कमीशन. द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत. भैया किसका एस्टैब्लिशमेंट करना, फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट करना. अब फाइनेंस कमीशन क्यों एस्टैब्लिश करी जाती है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत. भैया पंचायत की क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, उसे रिव्यू करने के लिए क्या करी जाती है, एस्टैब्लिशमेंट होता है किसका, फाइनेंस कमीशन का. पावर एंड फंक्शन ऑफ द पंचायत. अब क्या पावर्स होती है, क्या फंक्शन होती है, साइलेंट फीचर हमारा किसका, 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 का. द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द पंचायत आर एंडोर्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. द पंचायत प्रिपेयर अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ द पंचायत. देखिए पंचायत के पास पावर होती है कि वो प्लान बना सकता है किस चीज के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए. अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका करेगा, सोशल जस्टिस किस करेगा, फॉर द पीपल ऑफ द पंचायत. इट इंप्लीमेंट्स द स्कीम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एट द ग्राउंड लेवल. ये जो ग्राउंड लेवल पे पीपल होते हैं उनको बेटरमेंट के लिए ये क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है स्कीम को. पंचायत है पावर टू एनहेंस द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज एंड अंडरटेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द एरिया. पंचायत के पास पावर होती है किस चीज की, कि वो भैया एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज को क्या कर सकता है, एनहांस कर सकता है. जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो सकता है उनमें क्या कर सकता है, उन्हें भी एनहांस कर सकता है, किसकी, उस एरिया की. क्लियर. ये चीजें आपने इतनी बार पढ़ी है, इतनी बार पढ़ी है, ये सारी चीज बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए शायद मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, बट आपको समझ आ जाएगा. अगर तब भी कोई समझ नहीं आता, कोई पॉइंट ऐसा है कि आपको नहीं समझ आ रहा, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोभाल 22 में लिंक डिस्क्रिप्शन में डीएम कर सकते हैं. फाइनेंसिस. द स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, टोल्स, ड्यूटीज एंड फीस. देखिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किसे ऑथराइज करेगा, पंचायत को ऑथराइज करेगा किस चीज की, कि वो टैक्स कलेक्ट कर ले, ड्यूटीज कलेक्ट कर ले, टोल्स फीस उन सबको क्या कर ले, कलेक्ट कर ले. कौन ऑथराइज करेगा पंचायत को, स्टेट लेजिस्लेचर. सेकंड पॉइंट, असाइन टू द पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वही तो बताएगा ना पंचायत को कि आप इस ड्यूटीज को या इस टैक्सेस को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. प्रोवाइड ग्रांट्स एंड एड टू द पंचायत फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड. अब देखिए स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में क्या होते हैं, फंड्स आते हैं, अब उनमें से कितना किसे देना है, पंचायत को देना है, वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर. प्रोवाइड फॉर द स्टेशनमेंट ऑफ द फंड टू क्रेडिट ऑल मनी ऑफ द पंचायत. अब देखिए स्पेशल, देखिए जो फंड्स आए उनमें से कुछ हम देंगे किसे, पंचायत को, तो उनके लिए जो फंड रखा जाएगा उसका डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, एक स्पेशल फंड को एस्टेब्लिश करा जाएगा भैया, हाँ ये पैसा हमने क्या करना है, किसे देना है, पंचायत को देना है, तो वो कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर. 10 पॉइंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड ऑडिटिंग ऑफ पंचायत अकाउंट. अब देखिए पैसा दे रही है स्टेट लेजिस्लेचर, पैसा दे रही है पंचायत को कि आप डेवलपमेंट करो, आप पॉलिसीज बनाओ, आप क्या करो, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, आप एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज होकर उन्हें डेवलप्ड करो, तो ये सब चीज कौन कर रही है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर रही है, भैया उन्हें पैसा दे रही है. अब भैया उनका ऑडिट भी तो होना चाहिए ना, वो पैसा सही तरीके से खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपने कहीं अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं रख रहे हैं, तो वो चीज के लिए क्या है, ऑडिट, उनके अकाउंट्स का क्या होगा, ऑडिट होगा. तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो क्या करे, प्रोविजंस बनाए किसके लिए, कि मेंटेनेंस और ऑडिटिंग ऑफ पंचायत अकाउंट्स, कि उनके अकाउंट्स को भैया कैसे ऑडिट करना है, उनका कैसे मेंटेनेंस होना, उसके लिए क्या कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस बना सकती है. एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. जो हमारा एक्ट है, यानी कि जो हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, वो किस पे एप्लीकेबल होता है, यूनियन टेरिटरीज में भी एप्लीकेबल होता है, बट कैसे होता है देखते हैं. द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट अप्लाई टू द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन. However, the president may specify and direct any exception of the modification as required. But जो ये act होता है कैसे applicable होता है, देखिए कुछ इसमें exceptions होते हैं, कुछ modification के द्वारा ये क्या करा जाता है, applicable होता है किसमें, union territories में. अब वो modification कौन करेगा, वो exceptions कौन बताएगा कि ये exception होनी चाहिए इस act में, president. Clear? Come to the next slide. 12. Exempted states and area. अब ऐसे exempted states कौन से, ऐसे areas कौन से जहां हमारा 73 Constitution Amendment Act of 1992 applicable नहीं होगा, देखते हैं. The Act does not apply to Nagaland, Meghalaya and Mizoram. देखिए Nagaland में applicable नहीं होगा 73 Amendment Act,
मेघालय में एप्लीकेबल नहीं होगा और मिजोरम में एप्लीकेबल नहीं होगा। और सर्टेन एरियाज है, अब वो कौन कौन से एरियाज है, द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स, जो शेड्यूल एरिया होते हैं और ट्राइबल एरियाज होते हैं स्टेट्स के, उसमें ये क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 73 अमेंडमेंट एक्ट, कब का है, 1992 का। हिल्स और हिल्स एरिया ऑफ द मणिपुर, जो हिल्स एरिया किसका, मणिपुर का, जहां पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जहां पे क्या है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, वहां पे भी ये एक्ट क्या, एप्लीकेबल नहीं होगा। However, subject to the exception and modification specified by the parliament, the provision of this part may be extended to the scheduled areas and tribal areas. देखिए, ये scheduled areas और tribal areas में applicable होगा with some modification, with some exception. The parliament enacted the provision of the panchayat extension to the scheduled areas Act 1996 under this provision also known as पैसा एक्ट। अब देखिए, जो ये शेड्यूल एरियाज में एंड ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल हो रहा है विद एक्सेप्शन, विद मॉडिफिकेशन हो रहा है इस एक्ट में, जो कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, पैसा एक्ट कहेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 13, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, ऑल स्टेट लॉज पर्टेनिंग टू पंचायत शैल रिमेन इन इफेक्ट अंटिल वन ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। देखिए, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद भैया एक साल तक जो भी उनके एग्जिस्टिंग पंचायत सिस्टम है उन्हें क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, बट विद इन अ वन ईयर क्या करना पड़ेगा, न्यू पंचायत राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन, उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, स्टेट मस्ट इंप्लीमेंट द न्यू पंचायत राज सिस्टम, यानी कि सभी स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा क्या, न्यू पंचायत राज सिस्टम बेस्ड ऑन दिस एक्ट, जो किस पे बेस्ड है, हमारे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1922 पे, विदिन अ ईयर ऑफ इट्स एनैक्टमेंट और 24 अप्रैल 1993। देखिए, जब इसका एनैक्टमेंट हुआ है तब तक इन्हें क्या करना पड़ेगा, जब इसका कमेंसमेंट हुआ हमारे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, विदिन अ वन ईयर सभी स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा क्या, न्यू पंचायती राज सिस्टम। एज अ रिजल्ट, द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट पास पंचायती राज एक्ट्स इन 1993 एंड 1994। जो भैया देखो, जो काफी स्टेट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, न्यू पंचायती राज एक्ट था उसे क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, कब, 1993 और 1994 में, इन अकॉर्डेंस विद दिस 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, 73 1992, उसके हिसाब से क्या मेजोरिटी स्टेट्स ने क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया न्यू पंचायती राज सिस्टम। फोर्थ एंड लास्ट, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्ट्रोल मैटर्स, यानी कि जो भी इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स हैं उस पे जो बार है यानी कि कोर्ट है वो क्या नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। फर्स्ट, द एक्ट प्रोहिबिट्स कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द पंचायत इलेक्शंस। तो मैंने आपको पहला पॉइंट आपको क्लियर भी होगा, जो पंचायत के इलेक्शंस है उनमें कोर्ट्स क्या नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। किस एक्ट में दिया गया है, तो ये कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1922। इट डिक्लेयर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डेलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेशन है वही तो क्या करेगी, डेलिमिटेशंस करेगी कि भैया इतने एरिया के क्या होगा, इतने एरिया की एक ये ग्राम पंचायत होगी, इतने एरिया इस पंचायत के अंदर आएगा, तो उस चीज को कौन, हमारी कोर्ट क्या नहीं कर सकती, चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर, होपफुली आपको सारे डाउट्स, ये सारे जो फीचर्स थे, साइलेंट फीचर 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के क्लियर हो। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdawal.22 में डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।